Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 10. And today we are going to discuss another two disorders of eyeball. Dear students, disorders of eyeball. Because आज के जो डिसऑर्डर्स हैं वो आई बॉल से रेलिवेंट हैं तो दो डिसऑर्डर्स हैं जो कि हमारे बुक में मैंशनड हैं उसको हम बारी बारी डिस्कस करते हैं द फर्स्ट डिसऑर्डर इज माई एंड द सेकेंड डिसऑर्डर इज हाइपर मेट्रोपिया सो जी स्टूडेंट्स ये दोनों ही आई बॉल के साइज से रेलेवेंट डिजीजेस हैं डिसऑर्डर्स हैं कंडीशन्स हैं सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू एलेबोरेट माईओपिया माओपिया और इट इज ऑल्सो कॉल्ड शॉर्ट साइट सो शॉर्ट साइट का क्या मतलब है कि द प प प प प प पर्सन इज दिस पर्सन इज एबल टू See clearly the near objects. मतलब कि जो नज़दीक की नज़र है इस शख्स की बिल्कुल ठीक होगी जो करीब करीब की चीज़ें हैं वो बहुत अच्छे से क्लियर होंगी बट अनएबल टू क्लियरली द फार ऑब्जेक्ट यानी कि दूर की नजर कमजोर है सो माया ओपिया शॉर्ट साइट का मतलब के नजदीक की नजर ठीक है दूर की नज़र कमजोर है ये माई डियर स्टूडेंट किस वजह से हो रहा है वाई इज हैपनिंग रीजन इज द इलोंगेशन ऑफ आई बॉल जो आई बॉल है वो इलांगेट हो जाता है यानी कि नॉर्मल साइज से थोड़ा सा लंबा हो जाएगा जैसा कि यहां पर मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं एक रफ डायग्राम के जरिए सो लेट सपोज दिस इज अ नॉर्मल आई बॉल वी आर टेकिंग इट एज अ नॉर्मल साइज नॉर्मल आई बॉल सो इन केस ऑफ माई इट विल बिकम इलोंगेटेड लाइक दिस जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पे? ये इलांगेट हो चुका है नॉर्मल जो है वो इस साइज का है दिस इज इलोंगेटेड इलोंगेटेड आई बॉल ऐसी कंडीशन में होगा क्या डियर स्टूडेंट्स कि जब यहां से लाइट रेस आएंगी चूंकि आई बॉल एलोंगेट हो चुका है द इमेज विल भी फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना एंड सपोज दिस इज द रेटिना लेयर इन अमोस्ट लेयर तो इमेज कहाँ बन रहा है यहाँ पर हालाँकि रेटिना इज देअर दिस इज रेटिना यानी कि जो हमारे तीसरे सेंसर लेयर है जिसने ये सारा इमेज बनाना है क्रिएट करना है तो यहाँ पर वो लाइट वेव्स पहुँच ही नहीं पा रही उसकी रीज़न क्या है एलोंगेशन द इमेज विल बी फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना यानी कि रेटिना के आगे इमेज बनेगा इस वजह से वो क्लियरली दिखाई नहीं देगा द इमेज विल बी फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना इसी वजह से ये वाला जो शख्स है वो दूर की जो नज़र है या इसकी जो दूर की बिनाई है वो कमज़ोर हो जाएगी जबकि ये नॉर्मल आई बॉल इसी तरह से लाइट रेज आ रही हैं एंड दे आर फोकस्ड एग्जैक्टली एट द रेटिना ये यहाँ पर मौजूद हैं बिल्कुल रेटिना के ऊपर तो यहाँ पर इसी लाइन में बनना था वो इतनी इसी लाइन में बना ने उसको फोकस भी किया लेकिन यहाँ पर इलोकेट हो चुका है तो रेटना पीछे चला गया तो इमेज कहां बनेगा रेटना के आगे सो दिस इज लेंस। लें स्टूडेंट्स अब इसको ठीक कैसे किया जा सकता है हाउ इट कैन बी रेक्टिफाइड सो इट्स रेक्टिफिकेशन इज डन बाई यूजिंग अ कंकेव लेंस दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर इसके सामने इफ यू प्लेस अ कंकेव लेंस इन फ्रंट ऑफ इस आईज अब अगर लाइट रेस इस कंकेव लेंस में से होकर जाएंगी और फिर पास करेंगे इस आई लेंस में से द इमेज विल बी फॉर्म्ड एग्जैक्टली एट द रेटिना सो दिस इज अ कॉन्केव लेंस थोड़ी सी इसके हवाले से भी आपको इंफॉर्मेशन देता चलूँ कि दो तरह के लेंस होते हैं जो कि ऑफर्मोलॉजी के अंदर इस्तेमाल होते हैं यानी कि आँखों की मुख्तल तरह की बिनाई को सही तरह करने के लिए एक होते हैं कनकेव लेंस और दूसरे होते हैं कन्वैक्स लेंस कनकेव किसी भी ऐसे लेंस को कहेंगे जो अंदर की तरफ धंसा हुआ होगा इस तरह से लाइक like दिस यहां पर ये अंदर की तरफ डिप्रेशन है सो so, कोई भी ऐसी सरफेस या कोई भी ऐसा लेंस जो ऐसे अंदर की तरफ डिप्रेस्ड होगा उसमें डिप्रेशन होगा दिस इज कॉल्ड एज कॉनकेव लेंस और अगर कोई लेंस ऐसे बाहर को निकला होगा इस तरह से लाइक like दिस या कोई भी सरफेस जो ऐसे बाहर की तरफ निकली होती है आउटवर्ड दिस इज़ कॉल्ड एज कॉन्वेक्स सरफेस एंड इफ इट इज लेंस इट इज़ कॉल्ड एज कॉन्वेक्स लेंस सो ये कॉन्केव और कन्वैक्स का फर्क समझ आएगी स्टूडेंट्स दोबारा तो से बताता चलता हूँ कि कोई भी चीज़ जैसे कि हमने किडनीज के अंदर पढ़ा था किडनीज के अंदर भी ये टर्म इस्तेमाल हुई थी कनकेव किडनी के अंदर इस तरह से एक डिप्रेशन बनता है ये कनकेव डिप्रेशन है अंदर की तरफ और हमने ये भी बात की थी कि जो कनकेव डिप्रेशन है इट फेसिस दर्टिप्रल कॉलम यही वर्टिपरा को फेस कर रहा होता है दिस इज तो ये हमने किडनी के अंदर बात की थी ये वहां पर भी टर्म इस्तेमाल हुई थी तो कनकेव एनी सरफेस जो अंदर की तरफ धसी हुई होगी दैट इज कनकेव और जो ऐसे बाहर की तरफ निकली होगी उभरी हुई होगी लाइक दिस तो इसे कहेंगे कन्वेक्स तो इसका मतलब हुआ डियर स्टूडेंट्स कि जो नॉर्मल हमारी आंखों के अंदर लेंस इस्तेमाल हो रहा है जिसको हम कहते हैं आई लेंस जो अल्लाह ने कुदरती तौर पर हमें लेंस अदा किया वो किस तरह का है हम बार बार ड्रॉ कर चुके हैं इट इज़ लाइक दिस यानी कि इसकी दोनों सर्फेसेस बाहर की तरफ उभरे हुए हैं तो जो बाहर की तरफ सर्फेस उभरी हो तो उसे क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स कन्वेक्स सो इट मीन्स द लेंस प्रेजेंट इन आवर आइज इज़ बाय कॉन्वेक्स लेंस इट इज़ बाय कॉन्वैक्स बाय का मतलब इस साइड से भी कॉन्वैक्स है और इस साइड से भी कॉन्वैक्स है तो जो हमारी आंखों के अंदर कुदरती तौर पर अल्लाह तला ने लेंस फिट किए वो बाय कॉन्वेक्स होते हैं तो अगर आई बॉल इलांगेट हो जाए एज इन द केस ऑफ माईओपिया तो उसको रेक्टिफाई किस तरह से किया जा सकता है मतलब कि उसको सही किस तरह से किया जा सकता है बाय प्लेसिंग अ कनकेव लेंस इन फ्रंट ऑफ द आई बॉल क्लियर डियर स्टूडेंट्स अब आते हैं दूसरी डिजीज़ की तरफ दैट इज हाइपर मेट्रोपिया हाइपर हाइपरमेट्रोपिया या लॉन्ग साइट इसे कहते हैं लॉन्ग साइट या इसे लॉन्ग साइटेडनेस भी कहते हैं मतलब कि ऐसे शख्स को दूर की चीज बहुत विजिबल होगी बहुत क्लियर होगी लेकिन करीब से जब ये देखने की कोशिश करेगा तो इसकी जो नजर है वो वीक होगी मतलब उसे सही तरह से विजिबिलिटी uh, क्लियर नहीं होगी सो ऐसी कंडीशन को कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया तो इन्हीं पॉइंट्स की मदद से कंपैरेटिवली यहाँ पर समझाने की कोशिश करूँगा जैसे कि हमने ये मायोपिया यहाँ पर हाइपरमेट्रोपिया ये वाला शख्स शॉर्ट साइट है जबकि ये वाला शख्स लॉन्ग साइट है शॉर्ट साइट का मतलब कि नज़दीकी नज़र ठीक है दूर की खराब या वीक यहाँ पर लॉन्ग साइट का मतलब है दूर की नज़र ठीक है और नज़दीक की नज़र ख़राब या वीक अब आते हैं इस पॉइंट पे, द फर्स्ट पॉइंट पर्सन इज एबल टू सी क्लियरली द नियर ऑब्जेक्ट्स यहां पर हम लिखेंगे इसके बिल्कुल कंपेरिजन में द पर्सन इज एबल टू सी क्लियरली द फार ऑब्जेक्ट्स यानी जो चीजें दूर पड़ी हुई हैं वो बिल्कुल सही विजिबल है अनएबल टू सी क्लियरली द फार ऑब्जेक्ट्स जबकि हाइपर मेट्रोपिया इसकी अपोजिट है ही इज अनएबल टू सी द नियर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली दूर की चीज़ें सही दिख रही हैं नज़दीक की यानी कि नियर ऑब्जेक्ट्स उसको सही तरह से देख नहीं पा रहे इसकी रीजन हमने क्या लिखी थी कि यहाँ पर क्या सिचुएशन पेश आई थी कि द रीज़न इज़ एलोंगेशन ऑफ द आईबॉल जो आंख है वो बड़ी हो जाती है लंबी हो जाती है जबकि यहाँ पर द रीज़न इज़ शॉर्टनेस ऑफ आईबॉल वहां पर इमेज कहां बनता है जब इलांगेट हो गया तो द इमेज विल बी फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द रेटिना जबकि यहां पर इसके अपोजिट द इमेज विल बी फॉर्म्ड बिहाइंड द रेटिना, यस माय डियर स्टूडेंट्स वहां पर सामने बन रहा था इमेज और यहाँ पर रेटिना के पीछे बनेगा पहले इसको डायग्राम की मदद मतलब से समझाता चलो फिर आके चलते हैं सो दिस इज आवर नॉर्मल आई पॉल और ये कौन सी कंडीशन है दिस इज माओपिया So, अब इसके बिल्कुल यहां पर पैरेलल मैं ड्रॉ करूंगा तो ये नॉर्मल आपने साइज देखा तो यहां पर जो आई बॉल है दैट हैज बिकेम शॉर्ट जैसा कि आप यहां पर भी देख सकते हैं नॉर्मल साइज का कुछ और था लेट सपोज इसको दोबारा से ड्रॉ कर देता हूं दैट इफ इट इज द नॉर्मल साइज नॉर्मल आई बॉल तो ये साइज में छोटा हो चुका है सो दिस इज शॉर्ट आई बॉल तो ऐसी सिचुएशन में फिर इमेज कैसे बनेगा यस माय डियर स्टूडेंट्स इफ द आई बॉल इज शॉर्ट तो रेस आएंगी लेंस में से पास करेंगी लेकिन इमेज कहाँ बनेगा बिहाइंड द रेटिना, सो रेटिना तो ये है तो इमेज कहाँ बन रहा है यहाँ पर पीछे जाकर दिस इज रेटिना और इमेज इज ओवर हेयर सो डे स्टूडेंट्स इसको फिर कैसे से ठीक किया जाए So, इसकी जो रेक्टिफिकेशन है इट कैन बी रेक्टिफाइड रेक्टिफिकेशन या रेक्टिफाइड का मतलब है सही करना उसको या दुरुस्त करना सो रेक्टिफाइड बाय यूजिंग द कॉन्वेक्स लेंस। So if we use the convex lens ab is So it will be exactly focused on the retina. So this is the rectification. And these are the diagrams of हाइपरमेट्रोपिया। मेट्रोपिया लॉन्ग क्वेश्चन के अतबार से यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिजीज ऑफ आई बॉल आई बॉल की बात हो रही है डेस्टोरेंस तो आई बॉल इलांगेट क्यों हो जाता है शॉर्ट क्यों हो जाता है आपको पता है डेस्टोरेंट्स इसके अंदर मौजूद है दो लिक्विड्स मौजूद हैं फ्रंट वाली साइड पर अब आयरस के आगे वाली साइड पर यानी इंटीरियर चैम्बर के अंदर मौजूद है एक्व्यूमर क्स ह्यूमर डेस्टूरेंट्स याद रखिएगा दैट इज टोटली क्लियर बिल्कुल ऐसे शफाफ पाने की तरह का होता है जबकि जो विट्रस ह्यूमर है जो कि यहाँ पर पोस्टीरियर चैम्बर में मौजूद है दैट इज जली लाइक वो थोड़ा सा जली लाइक -like होता है और एक चीज डियस्टूट्स कि आपने एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देखा हो कि रात के वक्त जो पैट्स होते हैं खासतौर पर जैसे डॉग्स या कैट्स या फॉक्स या टाइगर लायंस रात के वक्त जब आप इनकी आंखों में ऐसे रोशनी ऐसे इसको टॉर्च को ऑन करें या रोशनी रोशनी इनकी तरफ करने की कोशिश करें तो इनकी आंखें चमकती हैं द ग्लो द रीजन इज टेपटम देर इज अ लेयर ऑफ टेपटम इन द आइज इनकी आंखों में वो एक लेयर है टेपटम की तो यहां पर लड़सा सपोज के यहां पर दिखाता हूं तो यहां पर ये लेयर मौजूद है जैसे ही लाइट रेज इसके ऊपर फॉल करेंगी तो रिफ्लेक्ट होंगे यहां से वापस तो जब वो रिफ्लेक्ट होती हैं तो इनकी रात के वक्त वो आइज ग्लो करती हुई नजर आती हैं सो डे स्टूडेंट्स आपने देखा कि अगर आई बॉल हो जाए तो इमेज जो है वो आगे बनेगा रेटिना के और अगर आई बॉल शॉर्ट हो जाए तो इमेज रेटिना के पीछे बनेगा और इसको किस तरह से रेक्टिफाई करना है वो भी आपने देख लिया सो so होपफुली आज का लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अनटिल देन अल्लाह हाफिज़